ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन एसएफआई 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत एसएफआई सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेगी, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी रूसा सिस्टम को शुरू करने की बात कही गई है। वहीं सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, इन पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। सोलन एसएफआई 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत एसएफआई सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेगी, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी रूसा सिस्टम को शुरू करने की बात कही गई। वहीं सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालय अध्यापकों की कमी है, इन पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। साथ ही आए दिन प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों व रेप जैसे मामलों पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। इसके लिए पीजी कॉलेज सोलन के एसएफआई इकाई ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं, जिसके लिए एसएफआई सोलन के आसपास के क्षेत्रों में जाकर जहां लोगों से चंदा इकट्ठा कर रही है, वहीं हमीरपुर में होने वाली बैठक में उठाए जाने वाले इन अहम मुद्दों को भी लोगों के समक्ष रख रही है। वहीं एसएफआई सोलन इकाई के सदस्य गरिमा ने बताया कि एसएफआई 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत एसएफआई सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेगी, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी रूसा सिस्टम को शुरू करने की बात कही गई। वहीं सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, इन पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। साथ ही आए दिन प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों व रेप जैसे मामलों पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। सर, मेरा नाम गरिमा है, हम सोलन कॉलेज से आए हैं। यहाँ के अंदर जो हम नौनी के अंदर आए हैं, हम यहाँ पे फंड इकट्ठा करने आए हैं। हमारी 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है स्टेट लेवल की। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, आप देख सकते हैं, जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट लेके आई है, जिसके अंदर जो रूसा सिस्टम है वो सरकारी स्कूलों के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। साथ ही जो टीचरों की कमी लगातार जो कॉलेजों हैं यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है, आप देखेंगे जो आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है, जो शिक्षा है वो सिर्फ एक तबके तक ही सीमित रह गई है। तो इन्हीं सभी कुछ मुद्दों को लेकर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम फंड इकट्ठा करना है, तो इसी के लिए आज हम नौनी आए हैं।